तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग जो कैलेंडर है पोती दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। तो उस अपडेट के बाद क्या नए चेंजेस, क्या बोल सकते हैं, क्या नए फीचर को वहां पर एड ऑन किया गया, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग कैलेंडर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप माई अपडेट्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा सैमसंग कैलेंडर का एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये अपडेट कब रोल आउट किया गया है, 13 जुलाई 2022 को रोल आउट किया गया है। और इस अपडेट का वर्जन है 12.3.06.1000 और ये 44 MB का ये वाला अपडेट से, ठीक है। जैसा कि मैं हर वीडियो में, हर अपडेट वाली वीडियो में बताता हूँ कि प्रीमियम फोन में पहले आ जाता है और नॉर्मल फोन में बाद में आता है अपडेट्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इस अपडेट्स में क्या नए चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर ये नए चेंजेस दिए गए हैं, यहाँ पर दिया है, मैं इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो दोस्तों इसको अपडेट कर लेते हैं, अपडेट होने के बाद देखते हैं क्या नया अपडेट है। तो मैंने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर दिया, अपडेट होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या नया चेंजेस यहाँ पर दिया गया है। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं इसको करता हूँ ओपन। सबसे पहले यहाँ पर फीचर दिया गया है पॉसिबल टू चेक ग्रुप कैलेंडर इन्विटेशन ऑन द कैलेंडर मैनेजमेंट स्क्रीन। अब मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप ऐसा ओपन होगा, यहाँ पर आप जाएंगे 3 डॉट्स पे और यहाँ पर आप जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको ऊपर मिल जाएगा मैनेज कैलेंडर का। यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर ग्रुप कनेक्ट करके रखे होंगे तो अगर कोई भी इनविटेशन होगा ग्रुप से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मेरे पास कोई ग्रुप कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, अगर आपने कनेक्ट करके रखे होंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड फीचर लिखा है वो ये है प्रोवाइड द ऑप्शन टू रिमूव रिकॉग्नाइज्ड टाइम इन क्विक एड। तो ये ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा, ये कैसे फीचर कहाँ यूज करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जब आप यहाँ पर कोई इवेंट डालेंगे, लाइक मैंने यहाँ पर डाला 7 PM का एक इवेंट को मैंने यहाँ पर डाल दिया। इवेंट डालने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको टाइम नहीं मिल रहा, इवेंट हो चुका है। यही नया ऑप्शन है कि आप यहाँ पर टाइम टाइटल से हटा सकते हैं। अगर आपको टाइटल में टाइम चाहिए तो आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको रिमूव फ्रॉम इवेंट टाइटल वाला जो फीचर है ये मिलेगा, आपको इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, अब मैं यहाँ पर कोई सा भी इवेंट डालता हूँ, लाइक मैंने डाल दिया मूवी, मैंने यहाँ पर डाल दिया मूवी एट PM, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जब मैं डालूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टाइम शो हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया था कि टाइटल पे टाइम शो ना हो। तो यही नया फीचर था सेकंड। थर्ड दोस्तों, थर्ड फीचर ये है कि अगर आप यहाँ पर इवेंट पे कोई भी टाइम लिखेंगे तो आप उसको यहाँ पर हाइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं टाइम को जो डिटेक्ट कर रहा है ऑटो, आप उसको हटा सकते हैं। लाइक यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट कर रहा है, अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑटो डिटेक्ट से हट जाएगा। तो यही थर्ड फीचर यहाँ पर दिया गया है। बाकी उन्होंने ऑन या ऑफ का ऑप्शन दिया था, मैंने वहाँ पर पूरा सर्च कर लिया, ऑन या ऑफ का ऑप्शन मुझे कुछ नहीं मिला। तो मुझे तो ऐसा लगता है वो ये ऑप्शन यही है कि आप यहाँ पर डिटेक्ट करके उसको हटा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो मैं फोर्थ फीचर बताने वाला हूँ जो कि बहुत कमाल का, यहाँ पर देखेंगे जो फोर्थ फीचर दिया गया ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन ऑफ प्लेस, ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन दिया गया है प्लेस के लिए। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर प्लस के क्लिक करा इवेंट पे, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा मूवी एट, मैंने डाल दिया मूवी एट भोपाल, ठीक है। मैंने यहाँ पर लोकेशन का नाम डाला भोपाल, तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक नीचे कैप्चर होके आपको यहाँ पर लोकेशन पे दिख जाएगा। मैंने ऊपर लिखा वो ऑटोमेटिक नीचे ले लेगा। तो थर्ड फीचर यही है कि ऑटो डिटेक्ट, सॉरी फोर्थ फीचर यही है कि ऑटो डिटेक्ट हो जाएगी आपकी लोकेशन, आप टाइटल पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पर नीचे लोकेशन पे ले लेगा। तो यही फोर्थ फीचर दिया गया था। और दोस्तों और लास्ट क्या दिया गया, लास्ट ये है कि यहाँ पर बग्स को फिक्स किया गया दोस्तों। यही नए अपडेट्स है सैमसंग कैलेंडर में जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो नोटिफिकेशन वाला आइकन दिखता है ना उसको दबाना भी ना भूलें, ताकि कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले।